Assalamualaikum. Welcome back to the new vlog and my channel Vlogs by Sarish. हाँ जी, आज ईद का दूसरा दिन है. मैं लेट हो गई क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकी, ईद बहुत बिजी थी. ईद का सेकंड डे था तो हमने सोचा बच्चों को ले जाएं बाहर और खुद भी थोड़ा फ्रेश होके आए, तो हम चले गए इस्लामाबाद. तो इवनिंग हो गई थी, हमें इतनी शदीद भूख लगी थी, इतनी शदीद भूख लगी थी कि हम खाने में टूट पड़े. फिर हम इस्लामाबाद पहुँचे, फिर उसके बाद आइसक्रीम तो बनती है भाई, वो भी बास्किन रॉबिन हो. फिर हम घर पहुंचे, घर गए हम, फ्रेश हुए. हमने जाना था अपने मेरे हस्बैंड के दोस्त के घर जाना था, ठीक है. वहाँ से रेडी होके निकले, फिर रास्ते में कुछ प्लान चेंज हो गया क्योंकि वो थोड़े बिजी थे. तो फिर हमने जो है तो मुनार जाने का प्लान कर दिया. जब मुनार जाने लगे तो वहाँ पे ट्रैफिक की लाइन लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक थी, और पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे थे. वो कह रहे थे कि भाई आगे कोई एक्सीडेंट हुआ, तो इस वजह से हमने वापसी का रास्ता लिया. फिर जी दोस्त की कॉल आई कि आप आ जाएं, हम घर वापस आ गए. तो फिर हम वहाँ पे गए तहजीब बेकर्स के, वहाँ पे उनके केक वगैरह लिया और साथ में मिठाई ली. और ये मेरी बेटी अपने बाबा के साथ चलते हुए, फिर हम उनके घर से हो गया है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तकरीबन मॉर्निंग दिन में 12 के करीब का टाइम था. फिर हमने सोचा कि आज मुनार का बफेट खाने चलते हैं. हम मुनार चले गए. यहाँ पर उन्होंने हमें बोला कि अभी आप वेट करें, थोड़ा सा टाइम है. वो खाना वगैरह लगा रहे थे तो ये उनकी अरेंजमेंट्स हो रही थी खाने की. सबसे पहले उन्होंने हमें मिंट मार्गरीटा सर्व किया, फिर उसके बाद उन्होंने हमें खाने का बोला कि आप उठ के ले सकते हैं. खाना तो बहुत जमी था, हमने अच्छे से पेट भर के खाए. और मेरी बेटी यहाँ पे खाते हुए खुश हो रही थी, उनकी डेजर्ट्स भी बहुत अच्छे थे. मैंने सब ट्राई किए, सब तो खैर नहीं ट्राई किए, बहुत सी डिशेस थी जो मैं नहीं ट्राई कर सकी. और मेरे हस्बैंड नहीं खुश थे बूफे पे, फिर वो अपने फ्रेंड के घर गए. उन्होंने बोला है भाई मैंने तो जब तक चने पाए नहीं खाए ना, तो मुझे लगता ही नहीं मैंने नाश्ता किया है. फिर उन्होंने वहाँ पर जाके स्पेशल अपने लिए जो था चने पाए और ये चीज़ें मंगवा के खाई. और फिर उसके बाद हम वापसी घर आ गए. हमारा शॉर्ट सा ट्रिप था. हाँ जी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और भूख भी लगी होगी ज़रूर मेरे खाने देखे. और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को. और ये हमारा प्यारा सा मोटरवे, इसके व्यूज़ इतने अच्छे हैं कि बंदे का दिल खुश हो जाता है. कहीं भी जाना हो ना मोटरवे ही देख लो ना, फिर भी बहुत बंदा इन्जॉय कर लेता है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. बाय.